कि अगर आपने भी किसी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है और उसका अगर आप रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हो और उसके एजेंट अगर आपको बार बार कॉल करके परेशान कर रहे हैं या फिर कॉल पे आपको ये धमकी दिया जा रहा है कि अगर आप हमारी कंपनी का लोन रीपेमेंट नहीं करेंगे तो हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, हम आपके खिलाफ जो है वो केस करेंगे, तो क्या सच में आपके ऊपर केस होगा? और अगर केस भी होगा तो कितने दिनों के लिए होगा? या फिर अगर इस प्रॉब्लम से आपको निकलना है तो आप कैसे निकल सकते हैं? एकदम मैं आपको 4 से 5 नियम बताऊंगा, अगर इन नियम को आप फॉलो करते हैं तो मैं 110% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ अगर उस लोन एप्लीकेशन का आप 1 साल 2 साल भी रीपेमेंट नहीं करते हो तो वो आपको आगे से कॉल नहीं करेगा। बाकी उसका जो मतलब कंडीशन है वो आपसे कुछ चार्जेस जरूर एक्स्ट्रा लेगा, बट वो आपको कॉल करके परेशान नहीं कर सकता है और ना ही आपके खिलाफ वो केस कर सकता है। तो चलिए वो 4-5 नियम मैं आप लोगों को बता दूं। तो देखिए जो लोन होता है वो 2 प्रकार का होता है बेसिकली, एक होता है अनसिक्योर्ड लोन और एक होता है सिक्योर्ड लोन। जो सिक्योर्ड लोन है वो RBI के अंडर में आता है और जो अनसिक्योर्ड लोन है वो चाइनीज पे आता है। तो देखिए अनसिक्योर्ड लोन के लिए कोई भी नियम नहीं बनाए, बट अगर आप RBI पे रजिस्टर्ड कंपनी यानी RBI के अंदर में लोन लिए हो तो इसमें आपको बहुत सारे प्रोसेस देखने को मिलेंगे। जैसे अगर मान लीजिए आपने किसी भी लोन एप्लीकेशन पे लोन लिया है उसका अगर आप रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि जब आपने लोन लिया था तब तो आपके पास इनकम सोर्सेस था, बट अगर आपने लोन लेने के बाद जो है आपके पास कोई भी इनकम सोर्सेस नहीं है, आप रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हो कंपनी का और उसके एजेंट अगर आपको बार बार कॉल कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को एक नियम बता दूं सबसे पहले उसका। तो उसका ये नियम है कि वो आपको सुबह 7 बजे से पहले कॉल नहीं कर सकता है और शाम के 7 बजे के बाद वो आपको कॉल नहीं कर सकता है। सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक ही आपको वो कॉल कर सकता है। अगर इससे अगर कम ज़्यादा मैं आपको कॉल करता है आप डायरेक्टली उसके RBI वाले वेबसाइट पे जाके उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हो। एंड देखिए बेसिकली होता क्या है, लोग रीपेमेंट क्यों नहीं कर पाते लोन, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए लोन बेसिकली सिचुएशन पर यहाँ पे नहीं होता है क्योंकि जो कंपनियाँ होते हैं उसे मतलब कस्टमर पे यहाँ पे गाली गलौज अभद्र भाषा में प्रयोग करके बात करते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि उसके एजेंट आपको कॉल करके डायरेक्ट आपको गाली दे रहे हैं या फिर आपके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आपके साथ कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपको मतलब वो आपको परेशान कर रहा है या फिर आपको मतलब वो ब्लैकमेल कर रहा है, कुछ भी सिचुएशन है, तो आप डायरेक्टली गूगल पे जाइए, वहाँ पे लिखिए www.rbiregistered.com, वहाँ पे जाके आप एप्लीकेशन के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं जिस एप्लीकेशन पे आपका आया था। अब बात कर लेते हैं वो कौन से नियम है। तो देखिए उसके एजेंट जब आपको कॉल करेंगे तो उसको सिंपली अच्छे तरीके से बात करना है, ऐसा नहीं कि आप उसका कॉल कट कर देंगे। देखिए उसमें क्या करना है, जैसे अगर उधर से कॉल आया बोला हेलो सर आप मेरा लोन का रिपेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो, तो आपके पास जो भी प्रॉब्लम हुआ है वो उसे बताना है। जैसे कि मान लीजिए आपका टांगा टूट गया, आपका एक्सीडेंट हो गया या फिर आपका नौकरी छूट गया या फिर कुछ भी हो चुका है, उस कंपनी को बताइए। और अगर वो फिर भी नहीं मानता है तो आप RBI में रजिस्टर में यहाँ पे जाके कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि RBI का ये एक नियम है कि देखिए अगर यहाँ पे कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आ रहा है वो रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसे यहाँ कॉल तक नहीं कर सकते, ना ही गलत अभद्र भाषा में प्रयोग करके बात तक नहीं कर सकते। तो देखिए ऐसे में आप अगर आपसे वो अभद्र भाषा का प्रयोग करके बात कर रहा है या फिर कुछ कर रहा है तो आप डायरेक्टली कंप्लेन कर सकते हैं। एंड ऐसे सिचुएशन पे देखिए कंपनी अगर आप रीपेमेंट नहीं करते तो हालांकि वो अपना पेनल्टी जोड़ेगा जो उसका चार्जेस है, यानी कि जैसे कि 40 रुपये का पेनल्टी होता है हर एक दिन, जितना आपका ओवरड्यू होगा उतना आपका हर एक दिन का 40 रुपये का पेनल्टी भले ही लेगा, बट फ्रेंड वो आपको कॉल और परेशान नहीं कर सकता है। अब देखिए बेसिकली ये सब होता है क्या है और आपने सुना होगा, तो देखिए अब केस होगा या फिर नहीं होगा इसके बारे में हम डिस्कशन कर लें। तो देखिए अगर आपका लोन अमाउंट जो है वो बड़ा लोन अमाउंट है तब आपके ऊपर केस होगा। जैसे सपोज अगर आपका लोन अमाउंट 30,000 से ओवरऑल है और उसके एजेंट अगर आपको कॉल कर रहे हैं और उसका कॉल आप रिसीव नहीं कर रहे हैं, आप डायरेक्टली कट कर रहे हैं या उठा नहीं रहे, तो उसी सिचुएशन पे आपके ऊपर केस हो सकता है। बट अगर आपका लोन अमाउंट जो है 25,000 के अंदर में आता है तो आपके खिलाफ केस नहीं होगा, बट वो जो है आपको रीपेमेंट कर देना है अगर आप रीपेमेंट नहीं करते हो। अब देखिए रीपेमेंट नहीं करने से नुकसान क्या होता है, तो देखिए अगर आप लोन का रीपेमेंट नहीं करेंगे तो जो आपका सिबिल स्कोर है जिसे क्रेडिट स्कोर बोलते हैं वो आपका आगे चल के काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है। खराब होने के बाद अगर आप बैंक में जाएंगे या अनदर एप्लीकेशन में कभी लोन के लिए ट्राई करेंगे तो वहाँ पर आपका जो लोन है वो बार बार रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपसे साफ साफ बोल दिया जाएगा कि जो आपका पिछला रिकॉर्ड है यानी जो आपका सिबिल स्कोर है वो काफ़ी ज़्यादा खराब है, जिसके कारण हम आपको लोन नहीं देंगे। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप रीपेमेंट कर दीजिए, वरना आगे चल के आपको ही प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि जो आपका सिबिल स्कोर है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाएगा, फिर आप किसी भी लोन एप्लीकेशन पर लोन नहीं ले पाएंगे। तो गाइस यार ऐसे में तो आप उन लोगों को नियम समझ में आ ही गया होगा कि क्या नियम है क्या चीज़ है। तो गाइस यार मुझे उम्मीद है आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन दिया वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, एंड अगर वीडियो रिलेटेड आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछना है कमेंट करके जरूर से पूछिएगा, मैं आप लोगों को रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, सुरक्षित रहिए, वंदे मातरम।